hello everyone my name is aparna today we are going to continue with our chapter in last class we have completed till here that is pre that is pre war russia now today we will start from industries and workers let's start the chapter Industry and workers. In the 1880s, the Russian government realized that the country needed to industrialize to supply the army, which needed modern armaments and railways that only large factories could manufacture. So the Tsarist regime took the initiative to industrialize. In Britain and France, it was the wealthy middle class merchants who invested in setting up small and medium industries.

आर्मी को आर्मी को यहाँ पर क्या है आर्मी आर्म्स आर्म्स की सप्लाई करने के लिए ठीक है मीन्स यहाँ पर आर्म्स की सप्लाई करने के लिए या कोई भी और चीज़ के लिए यहाँ पर क्या है इंडस्ट्री बनाना ज़रूरी है जिसके लिए यहाँ पर मॉडर्न मींस मॉडर्न आर्मामेंट्स हो गए रेलवेज हो गए उसके लिए इंडस्ट्रीज बनाना क्या है ज़रूरी है तो उनके लिए क्या चाहिए आपको यहाँ पर लार्ज फैक्ट्रीज चाहिए ताकि वो आर्मामेंट्स और रेलवेज को क्या कर सके मैनुफैक्चर कर सके तो जारिस्ट रजीम ने क्या किया इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया ताकि वो इंडस्ट्रियलाइज कर सके ब्रिटेन और ब्रिटेन और फ्रांस में क्या हुआ जो वेल्दी मिडिल क्लास मर्चेंट थे उन्होंने छोटी और मीडियम साइज़ की इंडस्ट्रीज सेटअप करना स्टार्ट किया ठीक है इन्वेस्ट किया उसमें और रशिया ने वहीं पर फ़ॉरन इन्वेस्ट, इन्वेस्टर्स बुलाए ताकि वो लार्ज आ, लार्ज फैक्ट्रीज़ को क्या कर सके बना सके लार्ज फैक्ट्रीज़ वहाँ पर अपने अपनी कंट्री में सेटअप कर सके और क्या मीनस uh, इन्वेस्टर्स uh, को बुलाते हुए उ, उसने क्या किया बहुत ज़्यादा इंसेंटिव और कन्सेशन दिए बहुत सारा इंसेंटिव और कंसेशंस उनको दिए ताकि वो आकर उनकी कंट्री पे फैक्ट्रीज बनाने के लिए क्या करें इन्वेस्ट यहाँ पर करें रशियन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो एलिड क्लास के द्वारा क्या किया जाता था कंट्रोल किया जाता था और उसका जो एमरजेंस था इंडिपेंडेंट मिडिल क्लास का या स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्ट

most of them were from peasant households so they were familiar with the problem of rural russia dekhiye yahan par kya ho raha hai jab industrialization ho raha tha to urbanization ka bhi process kya hua wahan par तेजी से होने लगा जो cities थे जहां पर भी आपका क्या हो रहा है industry setup हो रही है वहां पर cities भी यहाँ पर invited हो रही थी invite हो रही थी cities भी develop होती जा रही थी काफी लार्ज नंबर पे तो और लार्ज नंबर पर सिटीज डेवलप हो रही थी और जो लोग थे वो वहां पर सरवाइव कर रहे थे लो वेजेस में भी तो फैक्ट्रीज जो थी रशिया में जो फैक्ट्रीज थी यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी थी और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी वहां पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी जिससे वर्कर्स जो थे वर्कर्स अपने गाँव से निकलकर क्या है गाँव से निकलकर दूसरे जगह आने लगे जहां पर आपकी इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप हुई हैं ये जो वर्कर्स थे वो फाइनली uh, क्या करने ये जो वर्कर्स थे वो क्या करने लगे एक लेबर यूनियन बनाने लगे सभी लोग आपस में कलेक्टिव uh, स्ट्रेंथ दिखाने के लिए एक लेबर यूनियन यहाँ पर बनाने लगे और ज़्यादातर जो भी वर्कर्स थे वो ज़्यादातर पीसेंट हाउस होल्ड थे मीन्स फार्मर्स uh, थे तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर थे कि रूरल रूरल रशिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उस चीज़ से ज़्यादा फेमिलियर थे नेक्स्ट देखिए द इवेंट्स ऑफ In the absence of democracy and democratic right, the Tsarist Russia people could not criticize the government or agitate to resolve their problems. They began to form secret organizations and launch secret movements in many places because they could not openly challenge the state. They even launched the terrorist attacks from time to time. The prominent secret organizations in Russia at the time were the Socialist and Communist parties, the Revolutionary Peasants Party and the Liberal Party. देखिए 1905 का इवेंट के बारे में यहाँ पर आपको बता रहा है क्योंकि उस वक्त पे ठीक है नाइनटीन हंड्रेड में डेमोक्रेसी नहीं थी डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं मिले थे लोगों को ठीक है लोगों के पास में कोई राइट नहीं था तो लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज यहाँ पर नहीं कर सकते थे और ना ही अपना जो आ, मतलब उनके अंदर में जो क्या है गुस्सा है ठीक है उसको उसको उसका कोई क्या है समाधान उसकी उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई भी निकाल सकता था तो वो वो यहाँ क्या करने लगे उन्होंने एक सीक्रेट उन्हों, वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाना स्टार्ट कर दिया एक सीक्रेट मूवमेंट्स लॉन्च करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था अलग अलग प्लेसेस पे ताकि वो ओपनली चैलेंज कर सके गवर्नमेंट को स्टेट को यहाँ तक कि उन्होंने टेररिस्ट अटैक भी लॉन्च किए थे टाइम टू टाइम पे ताकि वो स्टेट को क्या कर स्टेट को यहाँ पर चैलेंज कर सके ये जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थे रशिया में वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टीज के लोग थे और रिवोल्यूशनरी पीसेंस पार्टी और लिबरल पार्टी ठीक है ये आपका चार पार्टीज के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं इन्हीं पार्टीज के जो लोग थे वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में थे इन 1905 अ वॉर ब्रोक आउट बिटवीन रशिया एंड जापान इन विच रशिया वॉज डिफीटेड बाई द स्मॉल एशियन कंट्री द डिफीट वीकेंड द क्लाउड ऑफ द जार एट द सेम टाइम वर्कर्स इन डिफरेंट Cities began to stage demonstrations to demand better working conditions and more democracy. More than a thousand workers were killed, with the, were killed when the police opened fire on one such peaceful march. The workers undertook a czar's place in Pe Petersburg, the capital of uh, the capital, to voice their complaints. Angered by the mass killing, protests broke out across the length and breadth of Russia. ठीक है देखिए यहाँ पर 1905 में एक वॉर रशिया और जापान के बीच में हो रहा था जिसमें जो रशिया था वो किसी स्मॉल एशियन कंट्री से क्या हो गया था डिफीट हो गया था अब ये जो डिफीट थी वो वहाँ के लोगों को क्या कर दी वीक कर दी और उसी वक्त पे जो वर्कर्स थे अलग अलग कंट्री अलग अलग सिटीज के जो वर्कर्स थे रशिया में उन्होंने स्टेट डेमोन्स्ट्रेशन जो है उस स्टार्ट कर दिया और डिमांड करने लगे कि उनको बेटर वर्किंग कंडीशन चाहिए और साथ में अच्छी डेमोक्रेसी चाहिए करीब थाउजेंड वर्कर्स जो थे ठीक है जब जब ये डिमांड किया जब उन्होंने ये स्टेज डेमोन्स्ट्रेशन किया तो बहुत सारे लोग बहुत सारे वर्कर्स जो थे करीब थाउजेंड वर्कर्स जो थे उनको मार दिया गया पुलिस ने पुलिस उ, पुलिस ने भी ओपन ओपन फायरिंग की और फिर बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए तो एक पीसफुल मार्च में वर्कर्स जो थे ठीक है उन्होंने क्या किया वहां पीसफुल मार्च था उसके बाद में भी क्या हुआ यहाँ पर वर्कर्स को मार दिया गया था पीटर्सबर्ग में ठीक है और पीटर्सबर्ग में उन्होंने क्या किया अपना अपने अपने कंप्लेंट्स को वहां पर अपने कंप्लेंट्स के लिए आवाज आवाज उठाई थी अपने लिए आवाज उठाई थी क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ आपका मास किलिंग हुआ तो मास किलिंग के बाद में लोग और भी क्या हो गए बहुत ज्यादा एगटाइट हो गए बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे Seeing the rage of the people, the Tsar announced a few political reforms. An elected assembly called the Duma was established, but this proved to be a controlled reform because elections to the Duma were conducted in a complex, indirect process to ensure that the majority of those elected belonged to the wealthy classes. The Tsar, the Tsar also had the authority to reject any proposal of the Duma or to call. और टू कॉल इट अ सीजन एट एट हीज कन्वीनियंस ठीक है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है लोगों लोगों को गुस्सा को देख के जो जार था उन्हों, उसने क्या अनाउंस कर दिया कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो थे वो, वो उन्होंने अनाउंस किए मतलब कि एक इलेक्टेड असम्बली जिसको ड्यूमा के नाम से जाना जाता है वो क्या किया स्टैब्लिश किया और, और उस, उस ड्यूमा में मीन जो इलेक्शन उस कंडक्ट करवाए ड्यूमा के लिए जो इलेक्शंस जो कंडक्ट करवाए वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और इनडायरेक्ट प्रोसेस था जिसमें उसने इंश्योर किया कि मेजोरिटी ऑफ जो मेजोरिटी के जो मेंबर्स रहे उस ड्यूमा में वो ज्यादातर वेल्दी क्लास से रहें ताकि जा, ताकि जार जो गवर्नमेंट थी वो भी क्या रहे उसी के हाथ में उस वक्त उसके बाद भी उसके हाथ में ही रहे तो जार के पास में क्या था अथॉरिटी भी था कि वो किसी भी प्रपोजल को ड्यूमा के क्या कर सकता है रिजेक्ट भी कर सकता है और या फिर उस चीज को अपने कन्वीनियंट मीन्स या तो उस चीज को जो ड्यूमा जो भी आ, क्या कर रहा है प्रपोजल दे रहा है उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है इवन एज इट अनाउंस द रिफॉर्म्स द गवर्नमेंट बिगेन टू ब्रुचुअली सप्रेस द पीपल्स मूवमेंट ओवर टेन थाउजेंड पीपल वे किल्ड एंड मोर देन सेवेंटी फाइव थाउजेंड वे इम प्रेजेंट इन जेल्स एंड एक्साइड वेरी कोल्ड रीजन ऑफ साइबेरिया गया था तो जो गवर्नमेंट थी वो पर क्या करने लगे? लोगों का जो मूवमेंट था उसको एकदम उसको बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा मतलब मीन्स यहाँ पर खतरनाक तरीके से इन ह्यूमन एक्टिविटी के साथ में यहाँ पर क्या करने है? लोगों का जो मूवमेंट था उसको सप्रेस करने लगी थी करीब दस हजार लोग जो थे वो इस चीज में मारे गए थे और 75,000 जो थे वो उनको जेल भेज दिया गया था और या फिर उनको बहुत ही ज्यादा कोल्ड रीजन जो साइबेरिया में था वहां पर भेज दिया गया था आपका आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास पे हम लोग द वॉर एंड द रेवल्यूशन्स ऑफ 1917 पढ़ेंगे थैंक यू